जो करने किए हैं वो भोग रहे हैं। नीतीश कुमार जी या बीजेपी के जो सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार है उनका पीठ में छुरा भर के खूब काम किए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ करिश्मा। कल वीआईपी के 3 विधायकों ने वीआईपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। आपको बता दें कि इसके बाद विपक्ष लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर है। अब राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किए हैं वैसा भोग रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी के पीठ में नीतीश कुमार और बीजेपी ने छुरा भोंका है। पहले सुनिए राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं। मैं सर कुछ नहीं बोलेंगे, मुकेश सहनी जो करने किए हैं वो भोग रहे हैं। बात कहा था तेजस्वी यादव पर मुकेश सहनी ने। मैडम मैडम मैडम, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के जो सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार है उनका पीठ में छुरा भर के खूब काम किए हैं। गांधी मैदान में सैकड़ों बच्चे सरकार से न पूछिएगा, सरकार से पूछना चाहिए। डबल इंजन से सरकार है, वो बताएगा काहे बीमार पड़ गया। वो तो लिपा पोती हर काम में लिपा पोती हो रहा है। बजट में आ रहा है दूसरा, लिपा पोती काम में रहा दूसरा, देखे रहे हैं बस क्या हो रहा है। चलिए मैडम, लापरवाही बहुत बड़ी हुई है, बहुत लापरवाही है सरकार को, बहुत लापरवाही है सरकार है, लापरवाही है। राबड़ी देवी को उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुकेश सहनी जैसा किए हैं वैसा भोग रहे हैं। इससे साफ ये झलक रहा है कि मुकेश सहनी के लिए राजद का दरवाजा बंद है। इसके साथ ही साथ मीडिया कर्मियों ने राबड़ी देवी से ये सवाल किया कि बिहार दिवस के मौके पर कई बच्चे बीमार हो गए फूड प्वाइजनिंग के कारण, इस पर आपको क्या कहना है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने मुकेश सहनी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जब से मुकेश सहनी के 3 विधायक उनका साथ छोड़ दिए हैं तब से विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि मुकेश सहनी लगातार ये कहते रहे कि वो लालू के विचारधाराओं पर चलते हैं, लेकिन राबड़ी देवी का ये बयान सामने आया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मुकेश सहनी के लिए अब राजद का दरवाजा भी बंद हो चुका है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।